महागठबंधन के जिम्मेदारान ने एमआईएम के साथ वादा निभाते हुए स्टैंडिंग कमेटी में एमआईएम के एक मेंबर को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, लेकिन मौजूदा मेयर जो साहबा है उन्होंने सियासी रंजिश की बुनियाद पर फैसला करते हुए कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए जो है उसका जो है उस मेंबर को स्टैंडिंग कमेटी के लिए नामजद नहीं किया। पांचवा नाम जो था अब्दुल माजिद यूनुस ईसा साहब का नाम था और मेयर साहबा का ये कहना था कि ये आपके गट के नहीं हैं, इसलिए हम इनको कानूनी हमको दुश्वारी है, हम इनका नाम का ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मालूमात के हिसाब से गट नेता को अधिकार है, हमने हमारी संख्या बल के हिसाब से बराबर नाम दिया, हमने हमारी संख्या बल से बढ़कर कोई नाम नहीं दिया, इसलिए जो नाम हमने लेटर में लिखे थे स्टैंडिंग के लिए उसका पूरे नाम का ऐलान मेयर साहबा को करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। आज की जो विशेष महासभा थी वो स्टैंडिंग कमेटी के जो मेम्बरान रिटायर हुए हैं उनकी जगह नए मेम्बरान नामजद करना और साथ ही साथ जो मेम्बरान इस्तीफ़ा दे रहे हैं उनकी जगह पर नए मेम्बरान को नामजद करना, इस सिलसिले में आज की मीटिंग थी और साथ ही साथ महिला व बाल कल्याण विकास के नए मेंबर्स का अपॉइंटमेंट के लिए भी ये मीटिंग थी। आज की मीटिंग में महागठबंधन की जो गठनेता है मोहतरमा शान हिंद साहबा, उन्होंने AIMIM के एक कॉरपोरेटर अब्दुल माजिद यूनुस ईसा का नाम अपने जो है गढ़ के फ्रैक्शन के हिसाब से अपनी तरफ से नाम पेश किया, लेकिन मेयर साहबा ने उस नाम को कबूल ना करते हुए उस नाम का इनकार करते हुए ये कहा कि ये कायदे से नहीं है और इसकी हम मालूमात लेंगे फिर उसका के नाम दो वह हम आगे की मीटिंग में पढ़ेंगे। सवाल ये है कि नाम कायदे से है या नहीं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो ये जो है 31A जो कायदा है उसके हिसाब से जो अघाड़ी बनती है या जो पॉलिटिकल फ्रंट रहता है वो उनकी जो हज़्ब तनासुब यानी रिलीवेंट फ्रैक्शन जो रहता है उसके हिसाब से जो है अपने सदस्य अपने अराकीन जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में या महिला और बाल कल्याण समिति में भेज सकते हैं। उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि किस पार्टी का होना चाहिए या किस पार्टी का नहीं होना चाहिए, एक सबको अपने हिसाब से जो है तनासुब मिलता है, तनासुब के हिसाब से मौजूदा हॉल में से वो किसी को भी भेज सकते हैं अपने सियासी जो है या जो वहाँ पर जो है सियासी जो है गठबंधन के मुनासिबत से वो किसी को भी नाम दे सकते हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान और महिला बाल विकास के मेंबरान के लिए नियुक्ति के मीटिंग थी जिसमें सिर्फ गठनेता कोई बुलाया गया था, बाकी सब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कनेक्ट थे, तो गठनेता वहाँ पर शामिल थे। उसमें हमने चार नाम जो हमारे संख्या के हिसाब से हमारे चार नाम और एक जो पहले से मेंबर थे सुबान अब्दुल सुबान उन्होंने रिज़ाइन किया, ऐसे हमको पांच नाम देने थे, हमने पांच नाम दिए जिसमें उन्होंने चार नाम का ऐलान किया और पांचवें नाम का उन्होंने ऐलान नहीं किया। पांचवें नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ, कौन था? पांचवा नाम जो था अब्दुल माजिद यूनुस ईसा साहब का नाम था और मेयर साहबा का ये कहना था कि ये आपके गट के नहीं हैं, इसलिए हम इनको कानूनी हमको दुश्वारी है, हम इनका नाम का ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मालूमात के हिसाब से गट नेता को अधिकार है, हमने हमारी संख्या बल के हिसाब से बराबर नाम दिया, हमने हमारी संख्या बल से बढ़कर कोई नाम नहीं दिया, इसलिए जो नाम हमने लेटर में लिखे थे स्टैंडिंग के लिए उसका पूरे नाम का ऐलान मेयर साहबा को करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। आप आगे क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई के मामले में ऐसा है कि कानूनी मालूमात के हिसाब से हम लोग फैसला करेंगे कि क्या करना है। इससे पहले कहीं ऐसा हुआ है कि दूसरे गट का नाम दिया गया? कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, ऐसी मालूमात है हमको कि ऐसा हुआ है, इसी वजह से हमने नाम दिया है। जो नाम पेश किया उसमें दो नाम ऐसे हैं जो इससे पहले भी रह चुके हैं और आप जो है एक नाम अपने गट के अलावा दूसरे गट का लिए हैं जबकि आपके गट के कुछ लोग बाकी हैं, क्या वजह इसकी? महागठबंधन की जब से स्थापना हुई, जब से बुनियाद रखी गई, तब से हमारा ये फैसला था कि महागठबंधन के सदर साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हमेशा से रिवाज ये रहा है कि चार नाम वो दिया करते थे और एक नाम हम हमारी मर्ज़ी से जनता दल का हम लोग तय करते थे, हम कभी उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे और वो
हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे, ये हमारा इंटरनल मामला था। तो जो नाम मुफ्ती साहब ने हमको दिया चार, हमने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने गट नेता की हैसियत से वो नाम लिख कर भेजा। क्या नाम है पांच नाम जो आपने? तनवीर जुल्फिकार, उसके बाद जाहिद जाकिर जुम्मन, सबिया मुजम्मिल वफाती और मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा डिग्निटी और अब्दुल माजिद यूनुसीसा। राजधानी